कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, देश में भी और दुनिया में भी। लेकिन भारत के कई राज्य पिछले कुछ दिनों से एक और गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। उसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, आसान भाषा में कहें तो ब्लैक फंगस। अभी इसके बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई ही जा रही थी। सरकारें इस बीमारी से लड़ने की तैयारी कर ही रही थीं कि इससे भी खतरनाक एक और बीमारी सामने आ गई है। इसको कहा जा रहा है व्हाइट फंगस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट फंगस यानी कि कैंडिडोसिस की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले दिनों जब यह सामने आया कि कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि इसे महामारी के तहत दर्ज किया जाए। इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इसे महामारी घोषित कर दिया। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि समय पर इलाज न मिले तो मरीजों की आंख निकालनी पड़ती है और ज्यादा स्थिति गंभीर होने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। इस बीमारी की मृत्यु दर 50% से भी अधिक है। अभी ऐसी खतरनाक बीमारी का इलाज करने के लिए इंतजाम किए ही जा रहे थे कि नई बीमारी सामने आ गई, व्हाइट फंगस। और इसके बारे में डॉक्टरों का मानना है कि ये ब्लैक फंगस से भी खतरनाक है। कुछ कुछ कोरोना से मिलते जुलते लक्षण होते हैं। खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और बुखार हो सकता है। जोड़ों में दर्द हो सकता है। घूमने टहलने में दिक्कत हो सकती है। कुछ सोच पाने में दिक्कत हो सकती है। बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दौरे आ सकते हैं। स्किन पर गोल घाव हो सकता है जिनमें दर्द नहीं होगा। हालांकि संक्रमण होने के कम एक हफ्ते के बाद भी ये घाव होते हैं। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस व्हाइट फंगस का संक्रमण बच्चों में भी हो सकता है और महिलाओं में भी यह संक्रमण ल्यूकोरिया के रूप में हो सकता है। व्हाइट फंगस होने की वजह भी फंगस ही है। व्हाइट फंगस के इन्फेक्शन की भी वही वजह है जो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की है, यानी कि कमजोर इम्यूनिटी। इसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट, कैंसर पेशेंट को भी इसका खतरा हो रहा है। जो लोग लंबे समय से स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं उन्हें भी व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित वो मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें व्हाइट फंगस के होने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की पाइप लगी होती है और उनमें अगर फंगस लगा हो तो उन्हें संक्रमण हो सकता है। इसकी वजह से फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन, नाखून, मुंह के अंदर का हिस्सा, आमाशय, आंत, किडनी, ब्रेन और प्राइवेट पार्ट्स पर भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। आमतौर पर इस फंगस से इन्फेक्टेड लोगों में शुरुआती दौर में कोरोना जैसे ही लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट करता है तो वो निगेटिव ही आता है। ऐसे में सिटी स्कैन बेहतर है या फिर एक्सरे के जरिए फेफड़े के संक्रमण का पता किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन वाइड इन्फेक्शन होता है, यानी कि व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो सिटी स्कैन में लंग्स में सफेद गोले दिखने लगते हैं। इसके बाद बलगम की जांच करवाकर व्हाइट फंगस इन्फेक्शन की पुष्टि की जा सकती है। हालांकि ये और भी खतरनाक इसीलिए हो जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में पता ही नहीं लग पाता है कि मरीज को कोरोना वायरस का संक्रमण है या फिर व्हाइट फंगस का। बाकी इस बीमारी की वजह से मृत्यु दर क्या है और क्यों इसे ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इस पर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मैंने आपको जो भी जानकारी दी है अभी तक इस बीमारी के बारे में उपलब्ध जानकारियों को पढ़ने समझने के बाद दी है। इस बीमारी के 4 मरीज बिहार में मिले हैं जिनका इलाज चल रहा है, साथ ही इस बीमारी पर रिसर्च भी चल रही है। तो इस व्हाइट फंगस से जुड़ी जो भी नई जानकारी सामने आएगी, इलाज के बारे में जो भी जानकारियां सामने मिलेंगी, मैं फिर से वीडियो के जरिए उसे आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।